रीवा के तिवथर में 111 पंचायतों के खिलाड़ी अपने खेल का जौहर दिखाएंगे। ये खेल के इतिहास की एक बड़ी उपलब्धि भी मानी जा सकती है, जब इतने बड़े स्तर पर रीवा के ग्रामीण अंचल में कोई खेल प्रतियोगिता का आयोजन किया जा रहा है। इस प्रतियोगिता में 151,000 के नगद पुरस्कार, सभी खिलाड़ियों को टी शर्ट, कोचों को ट्रैक सूट भी दिया जाएगा। टुडे मैच आवेदन अंसारी, आज हमारे साथ देवेंद्र सिंह जी मौजूद हैं, मैं इनसे बात करूंगा। क्रिकेट के क्षेत्र का एक जाना पहचाना नाम, जिसने रीवा में टर्फ विकेट बनाने के बाद एक मैदान भी बना दिया जिसके बारे में किसी ने सोचा ही नहीं था। आज बात मैं उनसे करूंगा जो त्योथर विधानसभा की 111 ग्राम पंचायत में खेल करा रहे हैं। किस तरीके का खेल है, बात उसको लेकर, किस तरीके का खेल है ये खेल? जो है तो 6 खेल हैं इसमें, क्रिकेट, कबड्डी, वॉलीबॉल, कुश्ती, मैराथन और रस्साकसी है। मैं चाहता हूं कि हमारे विधानसभा क्षेत्र की 111 पंचायत के खिलाड़ी आपस में भाग लें और खेल के बारे में समय निकालें, अपने जीवन को सुखमय बनाएं, अपने जीवन को जो है तो संघर्षपूर्ण बनाएं। खेल जीवन में आगे बढ़ने के लिए एक महत्वपूर्ण माध्यम होता है। मैं भी एक खिलाड़ी रहा हूं तो मैं जानता हूं कि जीवन में जब मुश्किलें आती हैं तो खिलाड़ी जो है तो उसको स्पोर्ट्समैन स्पिरिट के रूप में लेके और समस्या से निजात पाने का, निकलने का रास्ता खोजता है। तो एक खिलाड़ी ही एक अच्छा नागरिक बनता है, खिलाड़ी ही अच्छा नागरिक बनता है। जैसा आपने जो खेल चुने हैं वो ग्रामीण परिवेश के हैं, क्रिकेट की अगर छोड़ दी जाए बात तो किस तरीके से वहां पर इनको प्रमोट करेंगे इन खेलों को? मैं अपना सपना जो है तो सुंदर त्योथर है, खेलेगा युवा बढ़ेगा त्योथर, तभी तो अपना खिलेगा त्योथर, ये हमने स्लोगन दिया है। खेलेगा युवा बढ़ेगा त्योथर, भाई युवा जब खेल में लगेगा तो मोबाइल और नशे से दूर रहेगा, खेल में लगेगा तो डिसिप्लिन और अनुशासन सीखेगा, नियम कानून में रह के, नियम कानून के दायरे में रह के आगे बढ़ने का और सफल होने का प्रयास करेगा। तो हर बीमारी से निजात खिलाड़ी जो है, अच्छा खिलाड़ी जो है हर बीमारी से, हर मुश्किल से निजात पा लेता है। यही मेरा प्रयास है कि अच्छा खिलाड़ी जो है एक अच्छा बेटा और एक अच्छा नागरिक बनता। अच्छा खिलाड़ी निश्चित रूप से बहुत सारे काम नहीं करता है, ये कोई कहने की बात नहीं है, प्रैक्टिकली ये अजमाई हुई बात है। मैं एक बार एक सवाल आपसे और पूछना चाहूंगा, जिस तरीके से आपने वहां पर खेलों को चुना है, हरियाणा की तर्ज पर आप बातचीत कर रहे हैं, तो उसके लिए क्या है दिमाग में खाका? मेरा खाका ये है कि मेरे विधानसभा क्षेत्र की 111 पंचायतों में हरियाणा की तर्ज पर हर ग्राम पंचायत में एक खेल का मैदान हो, एक जिम हो, एक कबड्डी का, वॉलीबॉल का, कुश्ती का, और कम से कम इन छोटे खेलों का जो छोटे मैदान लगते हैं इनका जो है तो मैदान हर ग्राम पंचायत में उपलब्ध हो और हर युवा खेल के साथ जुड़े, खेल के साथ हर युवा जुड़े। 151,000 नगद पुरस्कार, सारे खिलाड़ियों को टी शर्ट, कोचों को ट्रैक सूट, ये कोई मामूली बात नहीं। 8 तारीख से बाकी जो भी खेल होंगे हम अपने दर्शकों को उन चीजों को भी दिखाने की कोशिश करेंगे। आज के लिए इतना ही, अपने मेजबान जावेद अंसारी को दीजिए इजाजत।